नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नोएडा सेक्टर 39 छलेरा गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है जिसने जबरन उसके घर में घुसकर बलात्कार किया। रुड़की फेसबुक फ्रेंडशिप। रुड़की की एक युवती ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान पर मुकदमा दर्ज कराया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। दिल्ली में बच्चों में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। गन्ना किसानों पर सीएम योगी को खत, अन्नदाता के आंदोलन से हमदर्दी। वरुण गांधी सांसद बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। माँ के निधन के बाद अक्षय कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजा शोक संदेश, लिखा, अच्छा होता अगर मैं ऐसा पत्र कभी नहीं लिखता। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। आयकर विभाग ने 24 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स को लौटाए 70,120 करोड़ रुपए। यूपी, प्रियंका गांधी की मीटिंग के बीच दफ्तर के बाहर भिड़े कांग्रेसी, हाथापाई और मारपीट। भवानीपुर उपचुनाव, बीजेपी की प्रियंका टिबरीवाल ममता बैनर्जी को कितनी टक्कर दे पाएंगी। यूपी के विज्ञापन में कोलकाता की तस्वीर, योगी सरकार की खिंचाई, अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने मांगी माफी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।